नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है जिसका नाम है अमेजिंग साइंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेनबो के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, रेनबो कैसे बनता है, और एक वीडियो में हमने देखा था कि रेनबो हम घर में कैसे बना सकते हैं, रेनबो बनाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, हम इसके बारे में डिस्कशन किया था कि ये रेनबो हम हमारे स्कूल में अगर साइंस एग्जीबिशन हो तो वहां पे भी हम बना सकते हैं, आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, रिफ्रैक्शन होने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, या फिर हमारी निजी जिंदगी में रिफ्रैक्शन का रोल क्या है, ये सब कुछ हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो लाइक आपको पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलो देखते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये रिफ्रैक्शन क्या चीज है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, स्कूल में बहुत बार पढ़ाई करते समय हमें दिक्कत आती है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन चीज क्या है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये बताना पसंद होगा कि कोई भी चीज अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी चीज क्या है। देखिए, अगर ये ट्री है और इस ट्री को आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए पहले तो इस ट्री के ऊपर लाइट गिरना जरूरी है, मतलब लाइट इस ट्री के ऊपर गिरेगी, उससे रिफ्लेक्ट होकर वो आप देखेंगे, तब जाके आपको दिखाई देता है ये पेड़। ठीक है, इस पेड़ को देखने के लिए पहले इस पेड़ पर रोशनी गिरनी चाहिए और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आएगी तो हम इस पेड़ को देख सकते हैं। उसी प्रकार से अभी ये मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें कौन सी चीज जरूरी है, अभी रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन जब होता है उसके लिए कम से कम दो मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, कम से कम दो मीडियम की जरूरत है किसके लिए, रिफ्रैक्शन होने के लिए। तो इस मीडियम में क्या जरूरी है, देखिए यहां पे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो ये हमारा ग्लास लैब का एग्जांपल जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, ये ग्लास लैब है। तो इस ग्लास लैब से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है, ये है ग्लास और ये है एयर, यहां पे लिखता हूं मैं एयर और ये ग्लास। ठीक है, वन मीडियम सेकेंड मीडियम, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो अगर यहां पे मीडियम ना होता तो लाइट रे इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, यहां पे मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे यहां से उसका पाथ चेंज कर देता है। ठीक है, और एक बार जब ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में और एक बार जब रे आता है तो फिर एक बार वहां पे उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि हम जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में हम जाते हैं तो वहां पे दिखाई देता है कि अगर आपका फ्रेंड स्विमिंग पूल के अंदर है तो हमें लगता है कि स्विमिंग पूल की डेप्थ बहुत ही कम है, असल में ऐसा होता नहीं। स्विमिंग पूल में जो आपको डेप्थ दिखाई देती है वो डेप्थ हमें कम दिखाई देती है, असल में वो बहुत ज्यादा डेप्थ वहां पे होती है। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं रिफ्रैक्शन में जो लाइट रे होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, ये उसका पाथ चेंज हो जाता है, उसी वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम इस रिफ्रैक्शन को एक्सपेरिमेंट की मदद से देखने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, रिफ्रैक्शन को जानने के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं कि जो आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए एक पेंसिल, ये मैंने बीकर लिया हुआ है, घर में अगर आपके कांच का ग्लास हो तो भी चलेगा। इसमें मैंने पानी लिया हुआ है, ये पानी देखिए, इस ग्लास में मैंने पानी लिया हुआ है और करीबन 3/4 उसका पोर्शन मैंने पानी से कवर किया है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को देखते हैं, ये मैं अभी पेंसिल इसमें देखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इंक्लाइन पोजिशन में ये पेंसिल रख रहा हूँ और देखिए अभी साइड से देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। तो आप देख सकते हैं इस बीकर में ये पेंसिल यहां से सीधी जानी चाहिए थी, या फिर ये ऊपर वाली पेंसिल नीचे हमें स्ट्रेट लाइन में दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखिए सीधी पेंसिल जब मैं टेढ़ी रखता हूं तो यहां पे लगता है हमें कि पेंसिल कट हो गई है, लेकिन पेंसिल असल में कट नहीं होती। देखिए, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। होता क्या है,
अंदर का मीडियम अलग है, बाहर का मीडियम अलग है, अंदर पानी है बाहर एयर है. सो अंदर से जो रोशनी आएगी व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द दिस बीकर, तो जब ये बीकर के बाहर आती है तो उसका लाइट का पाथ चेंज हो जाता है और हमारी आंखों तक जो आता है वो असल में वैसा होता नहीं है, इसलिए ये पेंसिल हमें कट हुई दिखती है. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो और एक एग्जाम्पल हम रिफ्रैक्शन का देखने जा रहे हैं. तो चलिए दोस्तों, हम दूसरी एक्टिविटी ट्राई करने जा रहे हैं जहां पे मैंने ये बॉक्स इस्तेमाल किए जो हमारे घर में उपलब्ध होता है. ये स्टैंड है और ये है ग्लास लैब. तो इस ग्लास लैब में हम अभी रे ऑफ लाइट डालने वाले, कि ये लेजर टॉर्च हम इस्तेमाल करने वाले हैं. ये देखिए लेजर टॉर्च, इस लेजर टॉर्च का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे मैंने जानबूझ कर धुआं तैयार किया है. धुआं तैयार करने का रीजन ये है कि नॉर्मली हमें जो लेजर बीम है वो दिखाई नहीं देती. ठीक है, तो लेजर बीम हमें दिखाई दे इसलिए मैंने ये यहां पे धुआं तैयार किया है. ठीक है, तो चलो रिफ्रैक्शन को जानते हैं. ये ग्लास लैब में से हम अभी ये लेजर बीम को पास करते हैं. देखिए यहां पे अगर इस पोर्शन से मैं लेजर बीम को अंदर डालूं, देखिए ये इसका पाथ चेंज हो जाता है. आप यहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेजर बीम जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं जाता, वहां पे उसका पाथ चेंज हो जाता है. इसके बारे में आपको डायग्राम में बताने वाला हूं कि इस डायग्राम के मदद से हम उसको जान सके. अब इस यहां पे देखिए, ये लेजर बीम जो है वो जिस दिशा में जाना चाहिए वहां जाने के बजाय उसका पाथ चेंज हो जाता है. किस प्रकार से पाथ चेंज होता है हम जरूर देखेंगे. ये देखिए लेजर बीम हमें दिखाई दे रहा है. अगर नॉर्मली आप ट्राई करें रेगुलर तो वहां पे हमें लेजर बीम दिखाई नहीं देता, लेकिन यहां पे इस ग्लास स्लैब से अगर धुएं की मदद से हम लेजर बीम को पास करें तो उसकी डायरेक्शन यहां पे आपको चेंज हुई दिखाई देगी. ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम देखते हैं अभी डायग्राम की मदद से. तो चलो दोस्तों, जो हमने अभी ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट किया उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये है जो ग्लास लैब हमने इस्तेमाल किया था वो वाला, ये होगा लेजर बीम जो हमने पास किया. ठीक है, ये है लेजर बीम जो हमने पास किया. और लेजर बीम पास करने के बाद यहां पे देखिए, और एक बात मुझे बताना जरूरी है कि ये है एयर मीडियम और ये है ग्लास मीडियम. ठीक है, मीडियम चेंज हो चुका है. तो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जब रे आता है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाता है कुछ इस तरह से. असल में वो जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन होता क्या है, ये जाता है अलग दिशा में. सो इट रिफ्रैक्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद अभी देखिए, ये पहला वाला हो गया एयर मीडियम, ये दूसरा हो गया ग्लास मीडियम, और तीसरी बार यहां पे आता है और एक बार एयर मीडियम. तो कैसे, देखिए यहां पे और एक बार हमें रे की डायरेक्शन चेंज हुई दिखाई देती है. देखिए ये है एयर मीडियम, ये है ग्लास मीडियम, ये है एयर मीडियम. तो पहली बार जब रिफ्रैक्शन होता है तब यहां पे हमें इस रे में बदलाव दिखाई देते हैं, उसका एंगल चेंज हो चुका है. तो ये जो सीधा जाना चाहिए था उसमें भी और एक बार बदलाव आ चुका है. मतलब जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वहां पे उसकी दिशा बदल जाती है, इट रिफ्रैक्ट. तो इसलिए इस कंसेप्ट को रिफ्रैक्शन ऐसा कहते हैं. ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन. और एक बार अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे जो एंगल चेंज हो चुका है उसको हम कैसे मेजर करते हैं. यहां पे एक अगर हम 90 डिग्री का नॉर्मल डालते हैं तो ये हमें पता चल सकता है कि कौन सा एंगल और किस प्रकार से एंगल चेंज हो गया. यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम इट्स पाथ चेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो इस पूरे डायग्राम से आपको शायद अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पता चल चुका है. ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज आपने देखा कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है और रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है. इसके लिए आपने कौन से एक्सपेरिमेंट ट्राई किए, आप भी घर में इस रिफ्रैक्शन को ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, और इस रिफ्रैक्शन के बारे में अगर आपके कुछ सवाल है या फिर आपके मन में कुछ दुविधा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं. इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो आगे जाके मैं इस रिफ्रैक्शन के बारे में या फिर आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए.